तो कुल मिलाकर मुद्दा एक है, चाहता हर कोई उसे अपना बनाना है। दिल्ली की राजनीति के बाद अब यूपी की राजनीति का विश्लेषण कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर ने चुनावी पारे को चढ़ा दिया है। इस पोस्टर वॉर का मैदान बना हुआ है लखनऊ, जहां गली गली में राजनीतिक पार्टियां नारों के जोर से वोटरों को लुभा रही है। बीजेपी संकल्प बता रही है, प्रियंका प्रतिज्ञा दोहरा रही है, अखिलेश परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में नारों का किरदार बड़ा अहम होता है, लेकिन क्या नारों के शोर से मुद्दों का जोर कम हो सकता है? और भारतीय राजनीति में नारों ने कैसे सियासी तस्वीर और तकदीर बदल दी है, इसका विश्लेषण दिलचस्प अंदाज में मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में। कहीं योगी का संकल्प, कहीं प्रियंका की प्रतिज्ञा, तो कहीं अखिलेश का परिवर्तन। चुनावी जंग में बैनर और पोस्टर का मोर्चा बेहद अहम होता है, और लखनऊ की सड़कें ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा चढ़ चुका है। सत्ता पक्ष इन होर्डिंग और बैनर से अपने काम गिना रहा है, तो विपक्ष अपने सपने बेच रहा है। जहां मेरी दाहिनी तरफ एक बड़ा पोस्टर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, और इसमें देखिए कांग्रेस ने किसानों को लेकर एक प्रतिज्ञा की है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का रेट बढ़ाकर दिया गया था, वैसे ही यूपी में धान और गेहूं का रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल होगा। अब अगर कांग्रेस से हम भारतीय जनता पार्टी में आए, तो मेरी बाईं तरफ एक पोस्टर है जिसमें महिलाओं को लेकर जिक्र में कहा गया है कि महिलाओं को 2017 से लेकर अब तक कुल 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, और इसी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उसको करके दिखाया है। यूपी की राजनीति के एक अहम खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव, और पोस्टर पॉलिटिक्स में वो भी किसी से पीछे नहीं है। जिस सड़क पर उनका कब्जा है, वहां भर साइकिल ही साइकिल है। कहीं 22 में बाइसिकल का नारा नजर आ रहा है, तो कहीं परिवर्तन की बात है। इसी विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव का घर भी है, मुलायम सिंह यादव का घर भी है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी। दूर तक आप देखिए सड़क पर जहां नजर आएगी वहां समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स हैं। एक नारा दिया गया है, परिवर्तन मतलब अखिलेश यादव, और ये जो नारा है ये 2022 में जो पार्टी का एक नारा है, जो संदेश है, उसी को प्रदर्शित करता है। और इसमें अखिलेश यादव की पार्टी ने जो जनादेश की बात कही है, यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, वो भी आपको इस पोस्टर में दिखाई देगा। ये पोस्टर बैनर हर दल की रणनीति और राजनीति की झलक भी दिखाती है। बीजेपी के पोस्टर्स पर बारीकी से नजर डाला जाए तो साफ हो जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के रथ से विकास को बेचने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व के साथ विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और इसकी झलक भी सड़कों पर दिखाई देती है। मेरे ठीक पीछे जो पोस्टर लगा है, इसमें आप देखिए कि पहला पोस्टर कुंभ का है, जो 2019 के प्रयागराज कुंभ के बारे में बताता है कि सरकार ने बहुत भव्य तरीके से इस कुंभ मेले का आयोजन किया, और इसको भी सोच ईमानदार काम दमदार का नारे के साथ इस तस्वीर को लगाई गई है। और इसके ठीक बगल में जो तस्वीर है वो कोरोना महामारी से जुड़ी है, जिसमें सरकार ने लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त टीका, और कोरोना का रंग हुआ फीका, इस तरह के एक नारे के साथ सरकार ने अपनी अलग अलग जो योजनाएं हैं और साथ ही हिंदुत्व का एजेंडा है, इन दोनों को पोस्टर्स के जरिए सड़कों पर उतारा है। चुनावों में पोस्टर और नारों की अहमियत पूरी दुनिया में है। कई ऐसे नारे हैं जिन्होंने जीत और हार तक तय की है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं पोस्टर बैनर और नारे का चुनावी नतीजों से गहरा रिश्ता है। चर्चा, पर्चा और खर्चा, तीन चीजें राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। ये जो चर्चा है, ये नारा है, और यही आपका स्लोगन है जो आपको लीड करता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पिछली बार इलेक्शन में अच्छे दिन आएंगे स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास स्लोगन दिया, तो ये जो स्लोगन होते हैं ये लोगों के दिमाग पर एक अलग किस्म की छाप छोड़ते हैं, और कई बार ये स्लोगन पूरे इलेक्शन को अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी लीड बन जाते हैं। ये इन्हीं के इर्द गिर्द इलेक्शन घूमता रहता है। भारतीय चुनावी इतिहास में भी ऐसे बहुत से नारे हैं जो दशकों के बाद भी राजनीति में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नारों से जोर आजमाइश चरम पर है, लेकिन वोटों पर नारों के शोर का ज्यादा असर होगा या मुद्दों के जोर का, ये सवाल अहम है, क्योंकि लखनऊ की सड़कों पर जितने नारे और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, मुद्दे भी उनसे कम नहीं है। कि भारतीय चुनावी इतिहास में भी ऐसे बहुत से नारे हैं जो दशकों बाद भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। कैसे? बहुत मशहूर और पुराना नारा गरीबी हटाओ का है। ये नारा 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था, और इंदिरा गांधी सत्ता तक
पहुंच भी गई थी इस नारे के जरिए। अगले चुनाव में इंदिरा हटाओ देश बचाओ की धूम मची, ये नारा जनता पार्टी का था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हटाकर मोरारजी देसाई पीएम बने, ये नारा भी खूब चला। फिर एक मशहूर नारा लगा, गालों में जो लाली है तोपों की दलाली है, ये नारा 1979 के चुनावों में जनता दल ने लगाया और वीपी सिंह पीएम बने। 2004 के आम चुनाव में इंडिया शाइनिंग का शोर मचा था, ये नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं का सिक्का चला और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी पीएम बने। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।